रजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। आपको बता दें इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है और एक सेना का जवान शहीद हो चुका है। और आपको बता दें इस मुठभेड़ में एक एसपीओ सहित 3 जवान घायल हो चुके हैं। जम्मू संभाग के अंतर्गत रजौरी जिले के नारला क्षेत्र में मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। आतंकियों की मौजूदगी में सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना पुलिस और सीआरपी की एक संयुक्त टीम ने शाम करीब 4:30 बजे तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों के घेरे में फंसा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पहले छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी और एक जवान भी शहीद हो चुका है। ये जो मामला है आपको बता दें नारला क्षेत्र का है, रजौरी ज़िले का, जिसमें आपको बता दें जो ADGP जम्मू द्वारा भी ये पोस्ट डाली गई है अपने अकाउंट पर, जिसमें साफ तौर पे यही जाहिर किया गया है कि एक आतंकी है जो जिसको ढेर कर दिया गया है और एक जवान शहीद हो चुका है और एक SPO सहित 3 जो अन्य लोग हैं वो घायल हैं। एक बार आपको फिर बता दें रजौरी ज़िले के नारला क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और वहीं इस मुठभेड़ में एक सेना का जवान भी शहीद हो चुका है और SPO सहित 3 जवान घायल हैं। ये जो मामला है ये नारला क्षेत्र रजौरी का है। फिलहाल आपको बता दें देर शाम तक जो मुठभेड़ है ये जारी है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद। लोकल है सर, ठीक है। ये इधर ट्रैफिक इधर भी देख लेना है, मेरी दिख रही है। हरियाणा की ट्रैफिक सर, तो लोकल हरियाणा की लोकल है। हां ये ले जाना, वो स्टॉप ये देखो, इसको ही बंद कर देना यार। ये भाई हेलो, कोई पुलिस तरह थाने में पा है आइए।